हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज हम बना रहे हैं लिट्टी और चोखा, तो देखते हैं, चलो बनाते हैं। यहाँ मैंने दो बैगन लिए हैं और ये एक तो भून लिया है और एक ये रह गया भूनने को, और ये साथ में लहसुन भी भूनने को रखा है। दोस्तों यहाँ पे हमारे बैगन भून चुका और ये लहसुन भी। अब हम रखेंगे यहाँ पे टमाटर। टमाटर ये चोखा के लिए कर रहे हैं हम उसको। इसको भी अच्छे से भून लेते हैं। दोस्तों यहाँ मेरा टमाटर भी भून चुका है। यहाँ पे हम टमाटर के छिलके और लहसुन के छिलके और ये बैगन के छिलके उतार लेते हैं पहले। दोस्तों यहाँ पे मैंने ये सारा छिल लिया है, लहसुन टमाटर बैगन। दोस्तों अब इसमें गिरना है धनिया, इसी में गिरेंगे हरी मिर्च और प्याज। तो हमने ये आलू उबाल के रखे हैं और इसी चोखे में गिरेंगे आलू। डाल दो मम्मी इसमें। तो दोस्तों अब इसको करेंगे मिक्स। दोस्तों इसको अच्छे से मिक्स करना है। अब इसमें डालेंगे नींबू, ये एक नींबू और आधा नींबू है। भी गिरना है नमक भी गिरना है। दोस्तों इसमें गिरेंगे स्वाद अनुसार नमक। अच्छे से मिलाएंगे। हमारा चोखा बन चुका है, इसको ढक देते हैं। तो गाइस ये सत्तू है चने का और ये स्टफिंग बना रहे हैं इसमें। इसमें सबसे पहले प्याज गिरेंगे। और धनिया और ये आम की खटाई का मसाला है। और गाइस फिर यहाँ पे नहीं जाओ तो थोड़ी सी हरी मिर्च है, ये भी डालेंगे इसमें सत्तू में। और स्वाद अनुसार नमक। और ये सानने के लिए सरसों का तेल। और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। तो दोस्तों इसमें आधा नींबू भी गिरेंगे। दोस्तों सत्तू के लिए लहसुन और अदरक इसको अच्छे से कूटेंगे। इसको अच्छे से कूट के डालो उसमें, फिर अच्छे से मिक्स करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे स्टफिंग भरने की तैयारी हो गई है। और आटा ये सान के रखा है, इसमें घी नमक और गर्म पानी से साना है। और यहाँ पे मेरी बहन स्टफिंग भर रही है और मम्मी बना रही है लोई। तो हमने आग जला रखी है लिट्टी के लिए। अब ये अच्छे से आँच बन जाएगी तब हम इसमें लिट्टी डालेंगे। चिंगारी फेंक रही है ना, कोयला डाला ना इसमें जरा सी। दोस्तों ये हमारी आँच खूब बढ़िया बन चुकी है। ये आँच ज़्यादा हो गई थी, हमने इसको थोड़ी आँच ठंडी कर ली। और अब इसमें गिरेंगे लिट्टी। ये डाल दी है हमने सारी लिट्टी, अब पकेगी धीरे धीरे आराम से ऐसे ही होता है, पता है। तो हमारी लिट्टी काली काली हो गई है और इसको जो हम साफ करेंगे तो गोरी हो जाएगी, चमक जाएगी।
दोस्तों हमारी लिट्टी बन चुकी है, अब हम इसको करेंगे अच्छे से साफ। लोग देखेंगे काला काला। तो क्या हो गया? ये तेरी लिट्टी में नकी कोला नहीं भैया, लिट्टी ऐसे ही होती है। अभी दिखाती हूँ ना, अब इसको साफ, और ये शीशे की तरह चमक जाएगी। शीशे की तरह चमक जाएगी। निकाल पीने निकाल, नहीं तो फिर देख। दोस्तों देखो हम कैसे साफ कर रहे हैं इसको। गोरी हो गई, थोड़ी और साफ करनी पड़ेगी। ये देखो लिया है सेक के, देखो जरा। अब तुम हंसोगी एकता के बाद में जब तुम्हें वो वीडियो दिखाऊंगी। इस तरह से कि इसने जल गया तो। जला नहीं है, कोई जला नहीं। हाँ लेकिन सीख गया, बढ़िया से सीख गया। धीमी आंच पे सेका है फिर भी। दोस्तों बन चुकी है लिट्टी चोखा, दाल और सलाद। आपको ये वीडियो कैसी लगी बताना। खाने में बहुत अच्छा लग रहा है, टेस्टी तो है। मम्मी आपको कैसा लग रहा है? अच्छा, खाने में टेस्टी है। अरे खाने में प्लस छोड़ दे, कोई बात नहीं, बस इतना बोल। हाँ अच्छा बना, और वो भी बेहतरीन बनाया है मैंने। ऐसे देखो कोई भी तारीफ नहीं कर तो, और मैंने इतना बढ़िया इतना टेस्टी बनाया है ये। कई इतनी बार बना लिया हमने, उन्हें दो तीन बार तो बना ही लिया, और ये खाने में बहुत टेस्टी होता है। तो चलो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। मिट्ठू, हमारे मिट्ठू ने दाल चावल खाया है, ये देखो दाल चावल खा रहे हैं।